दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि भाजपा ने सरकार को गिराने का बड़ा षड्यंत्र रचा था। भाजपा के एक गुट ने दूसरे गुट को नीचा दिखाने के लिए ये सारी प्लानिंग की थी और एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की गई थी, लेकिन वे पूरी तरह से विफल रही। उन्होंने कहा कि 6 विधायकों ने सरकार और जनता को धोखा दिया, जिनमें से 4 उपचुनाव भी हार गए। 3 उपचुनाव हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा था सरकार को गिराने का, और भारतीय जनता पार्टी के एक गुट ने जो है दूसरे 2 गुटों को नीचे दिखाने के लिए ये षड्यंत्र रचा था। एक तीर से कई निशाने की साधने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो फ्लॉप सिद्ध हुआ, वो षड्यंत्र जो है विफल हो गया। जो कांग्रेस के 6 विधायक जिन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया, लोगों को धोखा दिया, उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी और उनमें से 4 जो हैं वो उपचुनाव भी हार गए। और ये जो 3 निर्दलीय विधायक थे, ये अगर इनके दिल में लोगों का हित सर्वोपरि होता तो ये रिजाइन देने के बजाय उनके लिए काम करते, लेकिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपने ट्रैप में फंसा लिया और आज उसका नतीजा है कि ये अनसीट हो गए। क्योंकि 3 सीटें जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर देखे उनमें के कितने ऐसे नेता जो विधायक और सांसद बने हैं, जिनके परिवार से उनके पिता माता जो हैं वो विधायक और सांसद रहे हैं, बड़े पदों पे रहे हैं, ये सारे नियम कानून जो है कांग्रेस के लिए लागू करने की बात करते हैं, जबकि अंदर अपने झांक कर जो है वो नहीं देखते। और मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी को इसलिए टिकट दिया क्योंकि वहाँ पर जो सर्वे हुआ उस सर्वे में जो है वही विनेबिलिटी उनकी बन रही थी, बार बार लोगों की तक से मांग आ रही थी। देहरा जो है वो मुख्यमंत्री जी का पुस्तैनी जो घर है वो देहरा में है, उनके पूर्वज थे वो देहरा से माइग्रेट होकर फिर महनदौन आए थे, आज भी उनकी ज़मीनें जो हैं वो देहरा में हैं, इसलिए बार बार लोगों से ये लोगों की तरफ से मांग होती थी कि वो यहाँ से चुनाव लड़ें। उन्होंने तो कहा कि मैं तो नदौन से ही लड़ूँगा, लेकिन अब जब वो उपचुनाव हुए वहाँ के विधायक ने भी इस्तीफा भी दिया था और वैसे भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाने थे क्योंकि उन्होंने निर्दलीय विधायक रहते जो है भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर ली थी। तो ऐसे में उन लोगों की मांग इसलिए थी, एक तो मुख्यमंत्री जी का पुस्तैनी घर था और दूसरा जो उनकी धर्मपत्नी है कमलेश ठाकुर जी, उनका जो मायके है वो भी उस साथ लगते गाँव में है, तो लोगों की ये सोच थी कि अगर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी चुनाव लड़ती है तो देहरा जो अपने आप को वहाँ के लोग जो है हमेशा ये समझते थे कि हमारा सरकार में जो है उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, हमारी बहुत सारी पेंडिंग ऐसी डिमांड्स हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं, तो उन सब ने ये सोच विचार किया कि अगर मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी लड़ती है तो उनके काम ज़्यादा होंगे, देहरा का चहुमुखी विकास होगा। और इसी सोच के चलते जो है लोगों की आवाज़ जब हाईकमान तक पहुँची उन्होंने सर्वे के माध्यम से, तो उन्होंने जो है ये फैसला लिया और उनको चुनावी मैदान में उतारा। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।